बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं क्विक और इजी शवारमा। ये झटपट सी रेसिपी है विद सॉसेस के साथ। सारे स्टेप जो हैं वन बाय वन आप शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो कीजिएगा तो आपका शवारमा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बाज़ार में हमें मिलता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सा शवारमा। उसके लिए पहले हमें उसकी चटनियाँ तैयार करेंगे। सूखी लाल मिर्च को मैंने एक कप सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगोकर 15 मिनट के लिए रख दिया है। सो अच्छी तरह से सोख हो गई थी 15 मिनट के बाद मैंने इसको मिक्सी जार में डाला है। और इसके साथ मैं टमाटर, दो अदद टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, और उसका जो टमाटर का गूदा होता है ना, वो बीज जो होते हैं उसके सीड्स, उसको निकाल दिया है। फिर उसके बाद दो अदद टमाटर की सीड निकालने के बाद उसके अंदर मैंने 1/3 कप जो है सिरका ऐड किया है। 1/3 कप सिरका, अगर ज़्यादा तीखा खट्टा पसंद करते हैं तो 1/2 कप सिरका ऐड कर लें, ठीक है। और फिर इसको ब्लेंडर में हमने सिंपल सा ब्लेंड कर लिया, कुछ भी नहीं डाला है, ब्लेंड कर लिया। चाहे तो लहसुन डाल दें, अगर लहसुन आपको पसंद नहीं है तो इसको अवॉइड कर लें, लहसुन से इससे ज़ायका बढ़ जाता है। मैंने लहसुन नहीं डाला है। इसकी एक चटनी तैयार हो चुकी है प्योरी। देखिए आप कितनी स्मूथ चटनी तैयार हो चुकी है, बहुत तीखी होती है, मज़ेदार सी शवरमा की फ़र्स्ट सॉस तैयार हो गया। सेकंड सॉस जो है ना वो हम बनाएंगे 1/2 कप सेसमी सीड्स, तिल के बीज जो हैं, तिल जो हमने लिया है वाइट तिल 1/2 कप लिया है, और 1/2 कप ही मैंने 1/3 कप मैंने विनेगर लिया है, या ज़्यादा तीखा खट्टा यूज़ करते हैं तो 1/2 कप लेना है। मेयोनीज जो है 1/2 कप मैंने इसमें ऐड किया है। मेयोनीज, सफ़ेद तिल और सिरका सेम क्वांटिटी में रखना चाहें सेम क्वांटिटी में रख लें। सिरके की, अगर सिरका ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो सिरके की क्वांटिटी कम कर लें। 1/3 कप मैंने मिल्क लिया है ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब हम इसको ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा सेकंड सॉस तैयार है, रेड चटनी और वाइट चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। रेड सॉस एंड वाइट सॉस शवारमे की जान होते हैं, ये ज़रूर बनाएं। इसको बनाकर हम फ्रिज में रख देंगे, हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्रीमी सैलेड। क्रीमी सैलेड के लिए मैंने 1 कप योगर्ट को मलमल के कपड़े में रख छन्नी में रखकर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फ्रिज के अंदर रखा था, आधे घंटे में सारा पानी निकल गया, सही है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे को भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि दही में से सारा पानी निकल चुका है, ये क्रीमी दही बन गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे, ये हमारा क्रीमी वेजिटेबल सलाद तैयार हो जाएगा, जिसमें सब्जियों में मैंने ऐड किया है चॉप किए हुए टमाटर जिसके सीड निकाल दिए थे, क्यूकम्बर, खीरा और बंद गोभी, ठीक है, ये डाल दिया है मैंने। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा सेकंड थर्ड ड्रेसिंग तैयार हो चुकी है हमारे शवारमा की। शवारमा की ये तमाम ड्रेसिंग आप तैयार करके पहले से रख लेना और फ्रिज में रख लें आधे घंटे पहले, तो शवारमा आपका जो बनेगा इतने झटपट बनेगा, सिर्फ उसकी सर्विंग करनी होगी और गार्निशिंग करनी होगी। ये हमारे तीनों काम कम्प्लीट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने बॉल छोटा लिया था, इस वजह से ये निकल रहा है इससे, मगर आप बड़ा बॉल रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको फ्रिज में रख देंगे चलाने के लिए, आधे घंटे में ये चल हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। शवारमा की थर्ड टॉपिंग भी तैयार है, राइट। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, क्रीमी सा हमारा सैलड तैयार है शवारमे के लिए। मैंने जो थाई के पीसेस लिए हैं, बोनलेस थाई पीसेस, एक ब्रेस्ट ले लें या फिर थाई के पीसेस दो ले लें, उसको स्ट्रिप में काट लें। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है लहसुन हल्दी इस्तेमाल की है, धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और काले मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने ऐड की है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें ऐड किया है, चाहे तो अवॉइड कर लें, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है ताकि अच्छा सा करार आए 1/2 टीस्पून, हंकर जो है 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, जो मैंने हंकर बनाया था सैलड के लिए
उसमें से 1.5 टेबल स्पून मैंने निकाल लिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 15 मिनट का रेस्ट देंगे, 35 मिनट्स मैक्सिमम है, 15 मिनट का भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रख लेंगे तो झंझट ही नहीं है मिक्स करने की, ओवरनाइट होगा। सिर्फ आप पैन में ऑयल डालें, हाफ कप ऑयल डाला है मैंने, ठीक है। मैरिनेशन को 35 मिनट्स या फिर 15 मिनट दें आप, ओवरनाइट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। ये मैरिनेशन मैंने ज़िप्लॉक बैग में फ्रिज के अंदर रख दी थी 35 मिनट्स के लिए। और ये जो ज़िप्लॉक बैग में मसाला लगा हो ना, उसी में पानी डालकर मैं इसमें पानी डालूँगी, ठीक है, ताकि मसाला सारा इसके अंदर चले जाए, कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे अंटिल इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद देखिए आप इसको फ्राई करें, ऑयल जो है उसने छोड़ दिया है। आप ये जो ज़िप्लॉक बैग में पानी था ना, मसाला था, उसमें मैंने हाफ कप पानी डालकर इसमें चिकन में ऐड कर दिया है और इसको मैं दम दूंगी 30 मिनट्स तक, ठीक है। अच्छी तरह से पानी चिकन टेंडर हो जाए, उसका पानी सूख जाए। आप देख सकते हैं ऑयल लग चुका है, चिकन टेंडर हो चुकी है और मसाले ने पैन छोड़ दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे 5 से 7 मिनट ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, ठीक है। और इसको मैं चमचे की मदद से चिकन को ना पीसेस बना लूँगी, बिल्कुल चॉप, बारीक चॉप नहीं करना है, बल्कि इसको चिकन को तोड़ देना है ताकि जो हम शावरमा की फिलिंग करें तो चंक से चिकन के पीसेस आएँ, जैसे बाज़ार में हम खाते हैं शावरमा, उसमें चिकन के चंक पीसेस होते हैं, छोटे छोटे बोटियाँ टाइप की होती हैं। इस तरह आप इसको बांध लें और इसको मिक्स करें। मैंने थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी अपनी वीडियो, क्योंकि 7 मिनट तक मैंने इस तरह किया है ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ऑयल छोड़ दे पैन, ठीक है। अब हम इसे चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। अब हमारी तमाम गार्निशिंग तैयार है। सब्जियां चाहें, सब्जियां का क्रीमी सैलड बना चुके हैं और थोड़ी सी सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। ये छोटी रोटी है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है वो ले लें, या फिर मेरे चैनल पे रेसिपी अपलोड है जिसमें मैंने छोटी रोटी की रेसिपी अपलोड की है, आई थिंक 5 हलाल गाइस के नाम से जब मैंने रेसिपी बनाई थी तो उसमें छोटी रोटी की पूरी रेसिपी उसमें मौजूद है। तो हम सबसे पहले सेसमे सी जो वाइट सॉस है उसको स्प्रेड करेंगे। रेड सॉस जो है बहुत ही तीखा होता है और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो केचप इस्तेमाल करें इसकी जगह, रेड सॉस इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। अब हमने चिकन रखा है, इसमें चिकन की फिलिंग रखी है, सब्जियां रखेंगे, सब्जियां जो भी आपके पास सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी सलाद जो भी सब्ज़ी आपके पास है, एक एक सलाद का एक एक पीस, सब्जियों का एक एक पीस लगेगा। जैसे शिमला मिर्च है, मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है, एक अदद अनियन ली है, सलाद के थोड़े से पत्ते लिए हैं और गाजर थोड़े से अगर आपके पास अवेलेबल है गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर टॉपिंग रख देंगे, फिर आप इसमें ड्रेसिंग लगाएंगे, रेड चिली सॉस और वाइट सलाद ड्रेसिंग। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली सॉस नहीं डालें, केचप डालें आप इसे, और या फिर स्वीट पेपर से ये सॉस बना लें। स्वीट पेपर जो है बाज़ार में अवेलेबल होता है, मिर्चें जिसमें तीखापन नहीं होता है, मीठी होती हैं, उससे बना सकते हैं, नहीं तो केचप बेस्ट आइडिया है। तो हम ये रख रहे हैं सैलड ड्रेसिंग इसके ऊपर, क्रीमी सैलड ड्रेसिंग, इतना जूसी, इतना मस्त, इतना मज़ेदार सा शावरमा तैयार हुआ था। यकीन जाने आप इसको बनाएंगे तो आपके बच्चे जो है आपको बार बार फरमाइश करेंगे इसे रोज़ाना बनाएं, लंच बॉक्स में बना कर दें, लंच बॉक्स में पैक करके दें, हस्बैंड को दें जॉब के लिए। ये हैंडी होता है फूड और बहुत ही जल्दी बनने वाला शवारमा है। चैनल पर नए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें हमारे लिए एनर्जी बूस्ट होते हैं, तो जैसे ही हम कमेंट्स पढ़ते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं और जोश से और मेहनत से नई वीडियो बनाते हैं। आप लोग बहुत ही वैल्यूएबल व्यूअर्स हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।
बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज़। दूसरी शवरमा की टॉपिंग तैयार कर रही हूँ, ये मैंने बिल्कुल सब्जियों के साथ तैयार किया था, चिकन ऊपर रखिए। चिकन के साथ आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टोफू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर प्योर वेजिटेरियन है तो आप सिर्फ सब्जियों से बनाएं, बेहतरीन से शवरमा तैयार हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। मेरा तोशा खाना के सर रहा है।